यूपी में सीएम योगी के दुर्ग में सेंध लगाकर अखिलेश ने बीजेपी को दिया झटका। गोरखपुर से सटे कुशीनगर के दो पूर्व विधायक सपा में हुए शामिल। यूपी में गठबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा धोखे बहुत खाए पर समाजवादी दोस्त नहीं बदलते। जम्मू कश्मीर के पीडीपी विधायक एजाज का विवादित बयान, कश्मीर में मारे सभी आतंकियों को बताया भाई और शहीद। रविशंकर बोले, तरक्की का दुश्मन भाई कैसे। बेनामी संपत्ति के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी, 3500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार दौरे पर, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चारा घोटाले में लालू यादव की पैरवी पर घिरे जालौन के डीएम, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। तमिलनाडु में विधायकों की चांदी सैलरी बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश, प्रस्ताव के बाद विधायकों की सैलरी में करीब 91% की होगी बढ़ोतरी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे घोड़े, घोड़ों में फैली लाइलाज ग्लैडर्स बीमारी के कारण लिया गया फैसला। कमला मिल कंपाउंड अग्निकांड में पब का तीसरा मालिक गिरफ्तार, मोमोज के ओनर अब भी फरार, 29 दिसंबर को पब में लगी थी आग। दिल्ली में काले धन का खजाना, आईटी के छापे में U&I कंपनी के लॉकर से मिले 61 करोड़ और सोने के सिक्के। भारतीय चैनल के पाकिस्तानी पत्रकार पर जानलेवा हमला, हथियारबंद लोगों ने की अपहरण की कोशिश। 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट मैन शिवन बने इसरो चेयरमैन, AS किरणाव का स्थान लेंगे शिवन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों के सफाई के लिए पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट, पुलिस ने फरमान नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार, 25,000 का इनामी बदमाश है फरमान। मेरठ में फर्जी फुटबॉल और बॉलीवॉल की अवैध फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने कई बड़े बॉन्ड की मोहर और टैग की बरामद, पुलिस ने आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। ट्रंप ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विधेयक पर किया हस्ताक्षर, विधेयक के तहत सीमा सुरक्षा विभाग को $90 लाख दी जाएगी अनुदान राशि, मेक्सिको और कनाडा से आने वाले मादक पदार्थों की तरक्की से निपटने में मिलेगी मदद। बिग बॉस फेम डांसर सपना चौधरी का बोल्ड अंदाज, भोजपुरी फिल्म में आइटम नंबर से मचाएंगी धमाल, रवि किशन स्टारर फिल्म बैरी कंगना 2 में करेंगे आइटम सॉन्ग। इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएंगी विद्या बालन, सागरिका घोष की किताब पर बनेगी फिल्म। दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को दी मात, दृष्टिहीन भारतीय खिलाड़ियों ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। और चोटिल नीदरलैंड्स ओलंपिक एथलीट कोमा में, प्रशिक्षण के दौरान साइकिलिंग एथलीट जेले वॉन गोरकोम हुए दुर्घटना का शिकार।